बोला सर सेल्स कर रहे हो और आपको इस पे लॉस हो रहा हो, तब तो ये तीनों एंट्री एक साथ एक ही बाजार में हो जाएंगी। लेकिन जैसे आपने पहले की थी नगद बेचा था प्रॉफिट हो रहा था, तब ये एंट्री एक साथ नहीं है, तब आप इसकी अलग अलग एंट्री कर देंगे और एंट्री करके आप इसको सेव कर देंगे आ जाएगा। कर लेंगे स्कूल में आपका नेक्स्ट टर्म रहता है, कुछ अपन एक्सपेंसेस करते हैं उसकी, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करवाते हैं, ये सब स्कूल के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, इसकी एंट्री आप कर देते हैं। वाउचर एंट्री F5 से पेमेंट वाउचर। अब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं तो ये एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस का नाम हमेशा बाय में आता है, तो आप मल्टी प्लस ई से ले जाना। यहाँ पे आप लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसको आप अंडर में डाल देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि स्कूल में लाइट होना जरूरी है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करेंगे, लाइट नहीं रही, बिना लाइट के आप स्टूडेंट को अंधेरे में नहीं पढ़ा पाएंगे, तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अमाउंट डाल देना कितना आप पे कर रहे हैं और टू में आप लिख देना कैश। आप नगद दे रहे हैं कैश लिखे, मतलब कैश दे रहे हैं तो कैश लिखे, और अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जैसे फोनपे या पेटीएम वगैरह करते हैं, तब आप टू में लिख देते हैं बैंक। एंटर करके आप इसको सेव कर देना। ऐसे स्कूल में आपको एक्सपेंसेस क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना या कुछ एडवर्टाइजमेंट करना, एडवर्टाइजमेंट करेंगे तब भी उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर हो जाएगी, बाय में आप लिख देना एडवर्टाइजमेंट, अल्टे प्लस सी से आप लेकर बना देना। इसको आप अंडर में डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एंटर करके सेव कर देना। कितना आप एडवर्टाइजमेंट में पे कर रहे हैं अमाउंट डाल दो। अगर फोन पे है तो टू में लिखना बैंक और कैश है तो आप टू में लिख देना कैश। यदि इलेक्ट्रिसिटी बिल डायरेक्ट होता है, अगर आपके स्कूल में लाइट नहीं रही तो आप अंधेरे में स्टूडेंट को नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन एडवर्टाइजमेंट है, अगर आप स्कूल से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, स्टूडेंट को ज़्यादा पता चलेगा, स्टूडेंट ज़्यादा आएंगे। लेकिन अगर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे तब भी आपके स्कूल में एडमिशन तो होते रहेंगे, स्कूल में आप स्टूडेंट को पढ़ाते रहेंगे, बिल डायरेक्ट हो जाता है। एंटर करके आप इसको यहाँ से सेव कर देंगे। ये आपकी यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस वाली एंट्री हो जाती है, कुछ होती है आपकी लॉस वाली। अगर आप इस तरह में वर्क कर रहे हैं, जैसे अभी अपन ने प्रिंटर खरीदा था, प्रिंटर आपको चोरी हो जाता है, आग में जल के नष्ट हो जाता है, तो आप उसकी एंट्री कर लेते हैं। अगर आग में जल के नष्ट हो रहा है या प्रिंटर आपका चोरी हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में एंट्री आप करेंगे F7 से जनरल वाउचर, क्योंकि कैश तो कोई लेन देन नहीं हो रहा। अगर प्रिंटर चोरी हो रहा है और दोनों ही कंडीशन में लॉस हो रहा है, चोरी हो जाए आग में जल जाए, और लॉस हमेशा आपका बाय में आता है, अल्टे प्लस सी से आप यहाँ पे लेकर बना देंगे लॉस बाय फायर अकाउंट। अगर आग में जल जाए हो रहा है, इसको आप डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अमाउंट डाल देंगे जितने का प्रिंटर जल है टू में आप डाल देना, प्रिंटर या फर्नीचर जो भी आपके यहाँ पे जल रहा है। अभी अमाउंट डाल देना, करंट बैलेंस आपका यहाँ पे कम होना चाहिए, तो बल्कि यहाँ पे 15,000 बता रहा, क्योंकि प्रिंटर अपने पास तो सही नहीं, पहले अपन इसको खरीद लेते हैं। तो आप खरीदने की एंट्री आप नगद खरीदते हैं पेमेंट वाउचर में करते हैं, अपन ने 50,000 का प्रिंटर खरीद लिया। अब आपका प्रिंटर जब जल जाएगा, एंट्री आप जनरल वाउचर में करेंगे, बाय में आ जाएगा लॉस बाय फायर। माना 20,000 का प्रिंटर आपसे जल गया, टू में क्या आ जाएगा प्रिंटर। अब आपके पास कितना अमाउंट बचे, प्रिंटर कितने का बचेगा 30,000, क्योंकि 20,000 का जल गया। एंटर करके आप इसको सेव कर देना। ऐसे अगर आपका प्रिंटर चोरी हो जाता तब भी एंट्री जनरल वाउचर में होगी, बाय में आ जाएगा लॉस बाय किट, अल्टे प्लस सी से आप लॉस बाय किट का लेकर बना लेंगे। इसको भी आप अंडर में डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसमें आप अमाउंट डाल देते और टू में आप लिख देना संपत्ति का नाम। अब आपने 50 खरीदा था, 20 से जल गया, 15 से चोरी हो गई, आपके बच्चे 15 था, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। कर लिए ऐसा, ये तो अभी आपका संपत्ति चोरी हो रही थी या संपत्ति जल रही थी। अगर आपका कैश चोरी हो जाता है तो वो एंट्री फिर आप पेमेंट वाउचर में कर देंगे, F5 से पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे,
बाय में आप लेते हैं ना लॉस बाय टू, अमाउंट डाल देना आप इसमें, और टू में आप लेते हैं ना केस, क्योंकि आपने बिजनेस से केस जा रहा है, अगर केस आपका चोरी हो रहा है तो बिजनेस से केस जा रहा है, तो टू में आप लेते हैं केस, एंटर करके आप इसको सेव कर देना। आप कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि इस पर वर्क कम्प्लीट हो गया, इस पर इतना ही वर्क रहता है, हमने आपको पूरा बता दिया। आप कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, किसी का डाउट नहीं, कर लेंगे आपको, ठीक है आपको कर लेंगे।